पिलखुआ में चार बदमाशों ने 40 लाख रुपए लूटे, विरोध करने पर चालक को मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ के पिलखुआ से आपको दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। दिल्ली की कैश कलेक्शन एजेंसी के कार सवार 3 कर्मचारियों से 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर चालक को गोली मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर एडीजी राजीव सबरवाल और आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों से पूछताछ की। देर रात तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। दिल्ली आजादपुर में कैश कलेक्शन एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है। एजेंसी के डायरेक्टर शुभम विनायक ने बताया कि एजेंसी के कर्मचारी गजेंद्र और पुनीत चालक मथुरा प्रसाद के साथ हापुड़ जिले के डीलरों से प्रतिदिन कैश एकत्र करते हैं। एजेंसी बड़े डीलरों से कैश एकत्र करके बैंकों तक पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम तीनों कर्मचारी पिलखुआ में रिलायंस रोड स्थित एक वेयर हाउस से कैश लेने के बाद जैसे ही हाईवे 9 पर पहुंचे तो इसेंट कार सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। कार का शीशा तोड़ने के बाद चालक मथुरा प्रसाद के कंधे में गोली मार दी और सभी को कार से उतार दिया। इसके बाद बदमाश दोनों कारों से गाजियाबाद की ओर फरार हो गए, लेकिन कर्मचारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल से कार को पिलखुआ टोल से पहले ही बंद कर दिया, जिसके बाद बदमाश कैश लेकर अपनी कार से फरार हो गए। डायरेक्टर शुभम विनायक ने बताया कि बदमाश 35 से 40 लाख के बीच रकम लूट कर ले गए, जिसकी तहरीर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। एएसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि लूट का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।